वो आ गए भैया। रचिता जी आप एक मिनट। हेलो। हाय। अरे इसकी कोई जरूरत नहीं है। नहीं नहीं आप बैठिए ना। अच्छा लगा ये जानकर कि आप मुंबई वापस नहीं गई। आपको कैसे पता चला? वो आप यहाँ आ गई ना इसलिए। आपको कुछ चाहिए? हाँ वो एक्चुअली न्यूज़पेपर्स चाहिए थे। आप ऑर्डर करते हैं ना जॉब्स ढूंढने के लिए? हम अभी लेके आते। टॉफी लेंगी आप? नहीं थैंक यू। बहुत अच्छी है, ट्राई कीजिए ना। नहीं इट्स ओके थैंक्स। हम खा लेते हैं। ये लीजिए। दिखाना। एक प्रॉब्लम है, सरकारी नौकरी के जितने भी ऐड थे वो हमने पहले ही काट लिए। अरे वैसे भी कोई बात नहीं, मुझे प्राइवेट सेक्टर में जॉब ढूंढना है तो इट्स ओके। अच्छा तो इसका मतलब एंगेजमेंट पक्का? एक्सक्यूज मी सॉरी वो मतलब हम लोगों का अरेंजमेंट पक्का। क्या है ना कि हम ये पेपर रोज मंगाते हैं, हमको जो है वो सरकारी नौकरी चाहिए और आप प्राइवेट जॉब ढूंढ रही है, तो हो गया ना अरेंजमेंट। अच्छा अच्छा इसके कितने पैसे हुए? हम आपसे पेमेंट कैसे ले सकते हैं? आई एम सॉरी मैं आपसे फ्री में नहीं ले सकती, इनकी पेमेंट तो मुझे करनी पड़ेगी ना। नहीं वो मतलब लेकिन आप हमारे काम कर सकती हैं, जो भी सामान आपको चाहिए ना वो आप हमारे शॉप से ही लेके जाइएगा और उसके बदले में हम आपको पेपर दे देंगे। ओके ठीक है चलो बाय देन। रचिता जी एक मिनट, हमें भी आपसे जरूरी काम है। बोलिए ना। वो हमारा भाई है ना चिकलू, हम क्या सोच रहे थे कि हम चाह रहे थे कि आपकी छोटी बहन है ना जैस्मिन, वो चिकलू को ट्यूशन देना शुरू कर दे। हमें ऐसा लगता है कि अगर वो उसे पढ़ाएगी ना तो चिकलू पक्का पढ़ाई में मन लगाएगा। देखिए प्लीज़ मना मत कीजिए, अगर आप हाँ बोल देंगे ना तो हमारा बहुत बड़ा काम हो जाएगा। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है पर जैस को लेना पड़ेगा ना ये डिसीजन। अच्छा तो जैस्मिन घर पर है अभी? हाँ। तो इफ़ यू डोंट माइंड हम क्या अभी जाके उससे बात कर सकते हैं? ठीक है चलो बाय। हम कब से सोच रहे थे पता है जैस्मिन से। कोई बात नहीं अभी हम मिल ही रहे ना। हाँ चलिए ना अंदर। जी नहीं हम यहीं ठीक है, आप प्लीज जैस्मिन को बाहर भेज दीजिए। अरे पैसे कैसे आप यहीं खड़े रहकर इंतजार करेंगे क्या? ऐसा अच्छा नहीं लगता है, आप प्लीज अंदर आ जाइए। नहीं नहीं इट्स ओके रचिता जी, हम यहीं ठीक है। अरे वैसे भी एक ही मिनट का काम है, आप ना जैस्मिन को बाहर ही भेज दीजिए प्लीज। ठीक है तो फिर मैं जैस को भेज देती हूँ। ओके अब क्या बताएं आपको, हमें तो डर है कि कहीं वो महामाया मिल गई तो बनती बात बिगाड़ देगी। वैसे ही 36 का आंकड़ा है हमारा उसे। एंड द गर्ल सेड डेट पे जाऊंगी पर तुम करते क्या हो? बॉय सेड पीएचडी। पीएचडी मतलब पिज्जा हाउस डिलीवरी में काम करता हूँ मैं। वाव अमू इतने जल्दी मैचअप कर लिया जैस के साथ, क्वाइट इम्प्रेसिव। हाँ व्हाट यार अच्छी दी, अब सारा क्रेडिट अमू को दे देंगी, मेरा भी क्रेडिट है इसमें। ओके ओके दोनों को इक्वल क्रेडिट। अच्छा सुनो तुमसे कोई मिलने आया है बाहर। मुझसे मिलने? बट मैं तो किसी को भी नहीं जानती बनारस में। अच्छा तुम्हारा फ्रेंड मंटू रिमेम्बर, उसका जो छोटा भाई है ना चिकलू, रिक्वेस्ट करने आया था कि तुम उसकी ट्यूशन टीचर बन जाओ। वो फिर से यहाँ आ गया, अभी बताती उसे। काम जाओ ना माया, तुम बिल्कुल गुस्सा नहीं करोगी। जैस वो बाहर खड़ा है, जाओ जल्दी जाके मिल लो उससे। ओके रची दी
मैं अब वही करूंगी जो अमू डिसाइड करेगी। ठीक है, मैं मंटू से जाके बात करती हूँ। ओके यू नो व्हाट, मैंने अमू को बाहर क्यों भेजा? क्यों? बिकॉज आई नो वो मंटू से पक्का इरिटेट होकर ना वापस आएगी। हाउ मीन यू आर जैज। अच्छा एक बात बताओ, ये पैचअप कैसे हुआ? पहले सॉरी किसने बोला, अमू ने या तुमने? अमू ने सॉरी बोला, वो भी कुछ सामने से। रियली? या मैं तो एकदम हैरान हो गई थी। आई एम टेलिंग यू, ये हमारी अमू हो ही नहीं सकती। हमारी अमू को ना पक्का किसी ने किडनैप कर लिया है। क्या? हाँ, वो मॉर्निंग वॉक पे गई थी ना, तभी किसी ने उसकी कार्बन कॉपी भेज दी है। बिकॉज हमारी अमू इतनी चेंज तो हो ही नहीं सकती ना। I'm so proud of Amu. तुम यहाँ कैसे आ गई? ये मेरा घर है और तुम मेरे घर के सामने खड़े हो, तो मैं ही आऊंगी ना। हाँ मतलब तुम्हारा घर है तो तुम ही आओगी ना, लेकिन एकदम अचानक से। खैर अब जायज घर में है? अंदर है। अच्छा नहीं, एक्चुअली मुझे जायज से कुछ काम था, वो बिजी है, तो फिर मैं बाद में आता हूँ। बाद में भी आओगे तो पहले मुझसे ही बात करनी पड़ेगी तुम्हें। मतलब क्यों, तुमसे क्यों बात करनी पड़ेगी? अरे तुम्हारी बड़ी बहन ने कह दिया ना कि कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? मैंने कहा क्या मुझे कोई प्रॉब्लम है? तुम सीधी बातें कभी क्यों नहीं करते हो? और जैज ने मुझसे खुद कहा है कि सारी बातें मैं ही करूं, चाहे वो चिकलू की पढ़ाई से रिलेटेड क्यों ना हो। अच्छा तुम तो सीधा मुद्दे की बात पे आ गई। तो नहीं तो कुछ नहीं, हमें क्या प्रॉब्लम हो सकती है? और आज तो बिल्कुल भी नहीं। आज तो बिल्कुल भी नहीं मतलब? आज का दिन स्पेशल है ना, डिफरेंट। आज सुबह सुबह मंदिर में तुम्हें देखा ना हमने। प्लीज चुप करो कि तुम। अरे हम तो हैरान हो गए थे, मंदिर में चढ़ावा चढ़ाया तुमने, तिलक लगाया। तुम्हें एक बार में बात समझ में नहीं आती क्या? प्लीज चुप करो, तुम जाओ यहाँ से। अरे क्या क्या कर रही हो, क्या हो गया? किसी को ये वाली बात पता नहीं चलनी चाहिए। किस बात का? कि आप हमारा हाथ पकड़ कर कहीं ले जा रही हैं? पागल हो क्या तुम? ये मंदिर वाली बात जो मैं सुबह सुबह गई थी, प्लीज किसी को मत बताना, देखो प्लीज। कर भी ना वही वाली बात। अरे मंदिर गई थी, इसमें छुपाने वाली क्या बात है? हाँ वो तो है, बट मंदिर जाके अपने परिवार के लिए प्रार्थना करना बहुत अच्छी बात होती है। अरे तुमने महादेव को सब कुछ बहुत ठीक से बोला, लेकिन वो पैसे वाली बात ना, वो ठीक नहीं है। ये पैसे से चीजें खरीदी जाती हैं, खुशियाँ नहीं। पैसे वाली बात ना वो। एक मिनट, तुम छुप छुप के मेरी बातें सुन रहे थे? तुम्हें शर्म नहीं आती? मैं भगवान जी से बात कर रही थी प्राइवेटली। ओह हेलो मैडम, अगर भगवान से इतनी प्राइवेटली बात कर रही है ना, तो अपने लिए पर्सनल मंदिर बनवा लो, या तो फिर मन ही मन प्रार्थना करना सीख लो। क्यों जोर जोर से हाथ हिला के बात करोगी, सबको सुनाई देगा। हम कोई छुप के नहीं सुन रहे तुम्हारी बातें। या राइट। खैर जाने दो, हम तो बस इतना कह रहे हैं कि जितना भी हम तुमको जानते हैं, मंदिर में देखोगी ऐसा हमने कभी नहीं सोचा था, और वो भी इतनी तन्मयता से प्रार्थना करते हुए। तुम्हें भी अजीब लगा ना मेरा ऐसे मंदिर जाना? ऐसे सबको अजीब लगेगा, बस इसी सिचुएशन को अवॉइड करने के लिए मैं किसी को नहीं बताना चाहती हूँ, तो प्लीज प्रॉमिस करो कि तुम मंदिर वाली बात किसी को नहीं बोलोगे। अच्छा ठीक है नहीं बोलेंगे, किसी से नहीं बोलेंगे, कुछ नहीं बोलेंगे, लेकिन प्लीज वो जायज से जायज को चिकलू को पढ़ाने दो ना। और चोरों से कैसे निपटा जाता है हमें पता है, चल तू निकल। अरे हमारी बात तो सुनिए। तो मंटू है, मैं जानता हूँ सर। देखिए ईमानदार है भैया, ईमानदार है तो छोड़ दू इसे। अरे लेकिन ऐसा किया क्या इसने भैया? मंटू भैया बहुत सुताई करी इन्होंने हमारी। कटिया कनेक्शन लगाता है, बाकी सब तो ठीक है। गजानंद साहब के बंगले से बिजली चुरा कर बगल के बंगले में देता है। देखिए हम जानते हैं गलत काम किया, लेकिन आप उसके लिए इसे अरेस्ट कर रहे हैं। प्लीज एक वार्निंग देके छोड़ दीजिए प्लीज। अरे हजार बार वार्निंग दे चुका हूँ इसको मैं। देखिए हम देते हैं गारंटी, ये ऐसा कभी नहीं करेगा। हमारी बात का भरोसा करिए प्लीज। आपकी बात का भरोसा है, पर इस बार गजानंद साहब ने बाकायदा कंप्लेन दर्ज करवाई है और कहा है इसके साथ ऐसा सलूक हो कि दोबारा कभी कटिया कनेक्शन ना लगाए, और जिसने इसको ऐसा करने के लिए उसकाया है उसको भी सबक मिले। अरे देखिए हम आपसे विनती करते हैं, हाथ जोड़ते हैं प्लीज। देखिए रिपोर्ट दर्ज हो चुकी है, अब वकील ही कुछ कर सकता है।
वही जेल से छुड़वा सकता है इसको। मंटू भैया आप कुछ करो ना, मंटू भैया आपको जेल में रखो। चिंता मत करो एटम, छुड़वा देंगे तुम्हें। ये क्या हो रहा है? ये किसको पुलिस पीटते ले जा रही है हमारे घर से? माँ दादी बताइए ना। अरे कुछ नहीं हुआ नीति, तुम जाके चेंज करो, मैं खाना लगाती हूँ। सुबह भी इसने ठीक से नाश्ता नहीं किया है। माँ खाना खा लेंगे हम, पहले हमें बताइए तो हो क्या रहा है? कुछ तो हुआ होगा ना। नीति इधर आओ, आज हम दोनों एक साथ खाना खाएंगे, हमें भूख लगी है, खाना लगाओ। जी। खड़े हुए क्यों? एटम एटम को एटम की मदद नहीं करोगे क्या? तुम्हें उसे क्या मतलब है? क्या मतलब है तुम्हें? अरे एटम को पुलिस ले गई है तुम्हारी वजह से, सब तुम्हारी गलती है। एक काम करो, तुम घर जाओ, घर जाके एसी की ठंडी हवा खाओ, बड़े आराम से जाओ। पर एटम को पुलिस इतना क्यों मार रही थी? क्या उनके अंदर फीलिंग्स नहीं है? उनकी गलती नहीं है, एटम की पिटाई तुम्हारी वजह से हो रही है। तुम्हें कहा था ना उसे ये कटिया लगाने को, वो भी ना बेवकूफ है। 100 बार कहा हमने उसे, ये कहा मत करो, लेकिन वो हमारी सुनता कहाँ है? अब ले गई पुलिस, अभी एटम को छुड़वाना है, हम जा रहे हैं। सुनो ना प्लीज प्लीज, मुझे भी अपने साथ ले चलो। देखो मुझे ऑलरेडी बहुत बुरा लग रहा है कि एटम को मेरी वजह से। हाँ ले चलेंगे तुम्हें, चलो हमारे साथ। अच्छा सुनो, ये सुताई किसे कहते हैं? पिटाई, और तुम्हारी बम्बई लैंग्वेज में धुलाई कहते हैं उसे, जो एटम की हो रही है तुम्हारी वजह से। हाँ वकील साहब, मंटू बोल रहे हैं। वकील साहब आप प्लीज पुलिस स्टेशन आ जाइए, एटम को पुलिस ने पकड़ लिया है, आप प्लीज जल्दी पहुंचिए। चलो। बाबूजी को क्या हो गया था? ऐसे कर रहे थे, एक कटियाई डाली थी ना, उसके लिए तो पुलिस कंप्लेंट कर दी। इतना ज्यादा पिटवाने की क्या जरूरत थी? भाई को देखा नहीं जा रहा था मुझसे, इतनी बुरी तरह उसको पीट रहे थे। उस लड़के के लिए नहीं, हमें सीख सिखा रहे थे वो, उनके विचार कितने सही है ये हमें दिखा रहे थे। उनका असूल ही सब कुछ है, खून का रिश्ता कुछ भी नहीं, रिश्ता टूटे तो टूट जाए पर असूल नहीं टूटने चाहिए। बस आप इसे छोड़िए, ये मैं लगा देती हूँ, रहने दीबो। गॉड एटम को कुछ होगा तो नहीं ना? ये सब तुम दोनों को पहले सोचना चाहिए था, अभी ओ गॉड करने का कोई फायदा है? जितना जल्दी हो सके एटम को छुड़वा लेंगे जेल से। वकील बाबू से बात हो गई हमारी, वो पुलिस चौकी के नजदीक ही रहते हैं, हमारे से पहले पहुंच जाएंगे उधर और कार्रवाई शुरू कर लेंगे। वो पंटू कहाँ जा रहे हो? रामा भैया बहुत जल्दी, मैं बाद में बात करते हैं, अरे कांड हो गया। हाँ मिलते हैं। जाने क्या कांड हो गया? पर इतनी छोटी सी बात पर, मेरा मतलब है कि उसको इतना पीटने की क्या जरूरत थी ना? नीति अरे बेटा चोरी की थी उसने, और हमारे लिए तो सबसे बड़ी और सबसे बुरी बात यही है। बेटा कम से कम तुम्हें तो सही और गलत का अंतर समझना आना चाहिए ना। नहीं नहीं दादाजी, मेरा वो मतलब नहीं था। अब देखो वो उसे पीटे ना पीटे ये तय करना हमारा नहीं पुलिस का काम है, हम तो सिर्फ इतना चाहते थे कि जिन्होंने उससे वो गलत काम करवाया उन्हें सबक मिले। कौन दादाजी? कोई भी हो, उन्हें सबक सिखाना जरूरी था, गलत काम किया था ना उन्होंने। अरे जल्दी करो, उनको एटीएम भी जाना है अभी। ओ ड्राइव के लिए पैसे चाहिए होंगे ना तुम्हें? रिश्वत क्यों? देखो मैडम गवर्नमेंट फाइन लेती है, बेल करवानी पड़ती है, ये पुलिस वाले जिसको पकड़ते हैं ना इतनी आसानी से नहीं छोड़ते हैं। बेचारा एटम पता नहीं क्या हाल होगा उसका। एक मिनट, हम इसमें जाने वाले हैं क्या? कर दी ना वही वाली बात, अरे चल के तो नहीं जा सकते ना मैडम, अरे 5 किलोमीटर दूर है स्टेशन, चलो बैठो। देखो पर मैं तुम्हें पहले ही बता दूं कि मैं इंडिया में कभी किसी के पीछे नहीं बैठी। एक काम करो आप रहने दो, हम जा रहे हैं ठीक है? अच्छा ठीक है, ये तो बता दो कि मैं बैठूं कैसे इस पे? अरे हम जैसे बैठे वैसे ही बैठो ना मैडम, चलो जल्दी करो। अरे बैठिए मैडम। काश अखबार दिन में 2 बार आते होते तो फिर वो भी दिन में 2 बार आती, पेपर लेने के बहाने ही सही, बस आती रहे वो।
आप यहाँ आकर रोज अखबार लेकर जाया करिए, रोज। ओ भाई साहब, हेलो, किधर हैं आप? पेपर नहीं चाहिए, गेहूं चाहिए, गेहूं, गेहूं लेने आए यहाँ पर हम। अब क्या है? I'm really sorry, चलो चलो। देखो मैडम, हम तेज चलाएंगे, जल्दी पहुंचना हमें, ठीक है? Okay, I know, चलो। Oh God, राची दी, ये सब क्या है? ये न्यूज़पेपर में हर जगह विंडोज क्यों बने हैं? This is just a mess. Mess? Please, कितना सिंपल है ये? ये देखो, ये है गवर्नमेंट जॉब्स का जो ऑलरेडी कट आउट है, ठीक है? ये जो पिंक में है ये प्राइवेट जॉब के हैं, एंड ये ब्लैक वाला, दीज आर इंटरनेशनल जॉब्स, समझी? वाओ, आप तो सब एक सेकंड में समझ गए, कैसे? इट्स रियली वेरी सिंपल, अगर मैं होती तो मैं भी ऐसे ही करती। सुपर्ब ना? सुपर्ब का तो पता नहीं, ओसीडी है पक्का। एक्सक्यूज मी, वैसे तुम्हें एक बात पता है जैज, उसके डैड है ना, उसका बहुत मजाक उड़ाते हैं, उसे बहुत डांटते हैं इसी बात को लेकर। सच्ची में एक बात बोलूं, आप ना अपने ओसीडी पार्टनर को ना हेल्प कर दीजिए। नहीं नहीं, मैं ऐसे कैसे अपनी एडवाइस दूसरों पर थोप सकती हूँ, वैसे भी मुझे क्या फर्क पड़ता है? जैस, ध्यान कहाँ है तुम्हारा? राची दी, अमू अभी तक नहीं आई, इतना टाइम लगा रही है, मंटू से ही तो बात करने गई थी। वो लॉयर अच्छा तो है ना, आटम को जेल में तो नहीं डालेंगे ना वो लोग, और यहाँ से कितनी दूर है, कितनी देर लगेगी अब? अरे सर मत खाओ मैडम, हमको आटम की चिंता हो, यहाँ तो पक पक कर रही हो, बस पहुँचने वाले हम लोग। क्या हो गया? अरे पूरा रास्ता इतना पक पक कर रही थी, अभी क्यों चुप बैठी हो? चलो। अरे क्या हो गया, जुबान के साथ पैर भी चिपक गए क्या? चलिए मैडम की इनविटेशन दे आपको। मुझे पुलिस स्टेशन से बहुत डर लगता है, प्लीज तुम अंदर जाके सब सॉर्ट आउट कर लो, मैं यहीं से तुम्हें पॉजिटिव वाइब्स भेजती रहूंगी। तुम बहुत अजीब हो, हम जा रहे हैं अंदर। एटम मेरी वजह से यहाँ फंसा है, मुझे अंदर जाना चाहिए। तू चिंता मत कर, अभी हम आ गए ना, हम सब ठीक कर देंगे। तू बैठ इधर। मंटू, सारी कार्यवाही कर दी है, अब बस फाइन भरना है, 4,500। हाँ जी, मैं लाया हूँ, ये लीजिए। ये लीजिए इंस्पेक्टर साहब, अब तो फाइन भी हो गया, कहाँ साइन करनी है रिलीज के लिए? यहाँ पे साइन। इंस्पेक्टर साहब देखिए, हम जानते हैं आटम से गलती हुई है, अरे लेकिन उसके लिए आपने इतनी सुताई, अरे आपने इस बेचारे को इतना मारा है जैसे आपकी कोई दुश्मनी हो इससे। गजानन चौबे जी की कंप्लेंट थी, उसके बावजूद हम इसे रिहा कर रहे हैं, इसे तो मंदिर में जाके प्रसाद बांटना चाहिए। अरे कंप्लेंट किसी की भी हो, मंटू जाने भी दो, मामले को ज्यादा मत खींचो। हाँ मंटू, अब तो इसे रिलीज करवा लिया है, अब और बहस करके कोई फायदा नहीं है, चलो यहाँ से चलते हैं। अच्छा 2 मिनट बाहर रुकना, मैं भी आता हूँ। जी ठीक है, चलो आटम, चलो हॉस्पिटल चलते हैं, चलो आराम से संभल के, संभल। मैंने सच में ऐसा नहीं, हमें बख्श दो मैडम, पहले ही आपके चक्कर में बहुत मार खा चुके हैं, बहुत हिम्मत नहीं हमारी। मैं बाहर से रिक्शा लेके आती हूँ। कोई जरूरत नहीं है, वकील साहब गाड़ी लेके आए हैं, हम निकल रहे हैं अभी, चलो। हाँ रानो, सीधा काशीनाथ हॉस्पिटल मिलो। अरे हाँ हम ठीक है, बस पहुँच रहे हैं, मामले के सब बताते हैं।
शहर में, स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।